सर क्लास वहां पर। ओके थैंक यू। नंबोदरी, योर योगा टीचर। बैठिए बैठिए। जल्दी से सामान निकालो। ये अंकल का घर है क्या? नित्या ने फोन किया था तो मुझे पता नहीं था। मतलब यहाँ से एक लड़की ने फोन किया था, वो नित्या ही थी। आंटी सिस्टम कहाँ पर रखूँ? ऊपर। अच्छा ऊपर। ये चला जा। ए, ये ले जा और जाकर फिट कर दे। चल जा। अब नित्या, मैं अंकल से बात कर रहा था तो कहीं अंकल को पता चल गया तो अब व्हाट अ सरप्राइज, तुम मुझे फोन करोगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। नित्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तुम्हारा पुराना किट्टू। तुम्हें योगा सेंटर में देखा तो मैं तुम्हें खुद पहचान नहीं पाया। ये यही नित्या है जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था। जब बैंग में अंकल को देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई। नित्या तुम्हें याद है जब हम दोनों स्कूल बस में जाते थे? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, पकड़े जाओगे। पहले जाकर अपना काम कर, फिर याद करेंगे कि बस में गया था कि किधर गया था। ओके सर। चल। ओके। अब कनेक्शन दिया क्या? इसका एक कनेक्शन सब सही तरीके से फिट किया? ये ले। नित्या सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं? तुम्हें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको सब आता है। गधा कहीं का। ओके सब ठीक कर दिया सर। अंकल अगर कैश नहीं है तो मैं फिर कभी आकर ले लूंगा। तुम्हें बार बार आने की जरूरत नहीं है, कैश ही देता हूं। आजा। हो सही वक्त पर फोन करके तुमने बुला लिया, वरना वो कमीने तो मुझ पर बिल फाड़ देते, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। सच में बहुत मुश्किल हो जाती। वैसे तुमने अपने पापा को कैसे मनाया? बस छोटा सा ड्रामा किया। वही ना। मतलब अब यहाँ की अर्थिंग तो ठीक है ना, नहीं तो शॉक लगेगा ना, इसलिए तुम्हें अर्थिंग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं शॉक लगे बिना संभाल लूंगा। लो ये पकड़ो। चाय? हाँ थैंक यू। लोन की किस्त भरना याद है ना? आंटी अगर कुछ तकलीफ हो तो मुझे बुला लीजिए। तुम कोई तकलीफ मत देना, यही बहुत है। गधा कहीं का। तुम्हें कोई दूसरी दुकान नहीं मिली थी क्या? तो क्या हो गया, यहाँ की नंबर वन शॉप है। इसलिए अगर कोई जरूरत पड़े तो इसे मत बुलाना, किसी दूसरे को बुलाना, समझी? इसमें किट्टू की क्या गलती है? मैं उसे पहले से जानता हूँ, वो ठीक लड़का नहीं है, इतना जान लिया वो काफी है। श्रीधर ने जो कहा वो सही कहा, मौका हर बार नहीं मिलता, जब मौका मिलता है तो खुलकर बात करनी चाहिए। यस दिस इज द राइट टाइम, आज मैं उसे सब कुछ खुलकर बता दूंगा। शायद वो भी इसी का इंतजार कर रही होगी, मैं कहूंगा वो यही सोच रही होगी। यस अभी देर नहीं करनी चाहिए, आज ही बता दूंगा। कुछ भी होने दो,
आज उसे कह दूंगा सच में। हाँ ये चिकन शौर्मा, चिकन आइटम में जल्दी मिलने वाला यही आइटम था। फ्राइड चिकन में टाइम लग जाता इसलिए मैंने नहीं लाया। ओके तुम नहीं खाओगे क्या? नहीं तुम खा लो, किसी के आने से पहले जल्दी खा लो और इस पैकेट को हटाना भूलना मत। ठीक है नित्या। हाँ क्या हुआ? वो बोलो क्या बात है? वो अरे मुझे ही बोलना है ना, बेफिक्र होके बोलो। एक अच्छे दोस्त एक अच्छे लवर का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अच्छे लव में अच्छे फ्रेंडशिप का किरदार हो सकता है क्या? वो मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा अच्छा लवर भी बन सकता हूँ। हाँ? और मैं ये छुपा नहीं सकता, इसलिए खुलकर बोल दिया मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, टाइम ले लो और सोच समझ कर जवाब दो। ओके चलता हूँ। अभी अभी ताजा सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोगों ने स्वर्मय चिकन खाया जिसमें 4 लोग बीमार पड़ गए। आज शाम तकरीबन 7 बजे एक होटल में एक परिवार के लोगों ने स्वर्मय चिकन खाया, उसके बाद उनको सर में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। उसके तुरंत बाद सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले सभी छोटे बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद उनसे सभी बड़े लोगों की तबीयत खराब हो गई। वहां के लोगों ने तुरंत उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि स्वर्मय चिकन खाने से उनको फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी वो सभी खतरे से बाहर होंगे। हेलो, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? कौन सा जहर लगा दिया तुमने मुझे बताओ? अरे क्या हो गया? वो शौर्मा जिसने भी खाया है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरा पेट दुख रहा है, पेट खराब हो गया है, मैं मर रही हूँ, जल्दी आओ। तुम डरो मत, मैं अभी आता हूँ। इसी समय ये सब होना था क्या? घबराने की बात नहीं है। फूड पॉइजन ही है, घबराने की बात नहीं है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक हूँ। रिपोर्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब तुमने न्यूज़ सुना तो थोड़ी सी घबरा गई, जस्ट साइकोलॉजी। मुझे लगा कि वो शर्मा भी उसी दुकान से आया है। प्रॉब्लम हुआ था वो शर्मा सेंटर था, मैंने तो शर्मा पेग्यू से खरीदा था, इसे गलतफहमी हो गई है। अब नॉर्मल है, तुम चाहो तो जा भी सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ओह अरे तुम भी ना, इतना डरने की क्या जरूरत थी बेटी? क्या हो गया तुम्हें? वो पेट में दर्द है, फूड पॉइजन हो गया था, अभी ठीक है, जस्ट गैस का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना मत खाओ, घर में बना करके खा लो। क्या खाया तुमने? शर्मा अब सांबर वड़ा। पापा वो सांबर वड़ा शायद बासी था, गैस हो गई और कुछ नहीं। हाँ, जैसे ही फोन आया हम तो घबरा गए थे, फिर किट्टू यहाँ है ये पता चला तो शांति मिली। हॉस्पिटल आते वक्त रास्ते में किट्टू मुझे मिल गया। हाँ आंटी, सर्विस करके उसी रास्ते से आ रहा था। हाँ भगवान ने बचा लिया, सही वक्त पर आके तुमने अच्छा किया। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी मैं ठीक हूँ, जा सकते हैं हम। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। नित्या नित्या घर में जो शर्मा का पैकेट था वो तुमने हटाया था? तो मैंने पहले ही कर दिया नित्या। चलो बच गए, ठीक है बाय। हेलो हेलो नित्या। किट्टू। हाँ बोलो, फिर से कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग घर आ गए हैं। और
बोलो ना। बोल रही हूँ ना, वो बोलो। आई लव यू किरण। हेलो 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 हेलो, ठीक से सुनाई नहीं, सुनाई नहीं दिया तो रहने दो, गुड नाइट। रुको रुको, मत रखो मत रखो। ओके ओके बाय, कोई आ रहा है। गुड नाइट, आई लव यू। क्या हुआ अंकल? हे, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मजाक कर रही थी। अरे किरण, यहाँ आओ। क्या देख रहे हो? अरे सुनो, मिल गया, आओ। क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी यार। आओ ना, इससे हम उधर चलेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, कोई देखना नहीं इसलिए इसे छुपा कर रखा है। आओ इसे पकड़ो, इसे पानी में उतारते हैं, जल्दी आओ। डरो मत, इस पर आ जाओ, मुझे तैरना आता है। मुझे तैरना नहीं आता। अरे यहाँ ज्यादा गहराई नहीं है, हिम्मत करके आ जाओ, मैं हूँ ना, डरो मत। आओ जल्दी, मेरा हाथ पकड़ लो। मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर आने वाले हम दोनों पहले ही होंगे। ठंड लग रही है ना? एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को ही ऐसी खुशी मिलती है, दूसरों को कहाँ मिलती है। ऐसे ही रहना है क्या? लेट हो गई तो अंकल टेंशन में आ जाएंगे, जाना नहीं है? बस थोड़ी देर और। व्हाट अ रोमांटिक स्पॉट। भागो, वो हमारी तरफ आ रहा है, आओ, जल्दी आओ, जल्दी
चलो चलो पेड़ पे चढ़ो जल्दी। अब हम क्या करेंगे?